हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ ओम प्रकाश सन फ्रॉम टीम सी तो बच्चों आपके जे जेमेन के एग्जाम चल रहे होंगे आप बहुत अच्छे से दे रहे होंगे पैनिक नहीं होना एकदम कूल होके एग्जाम को आपको देना है तो so, अपन आज मेजर टेस्ट फॉर डिस्कस करते हैं आउट ऑफ इलेवन तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है ए एस कंपाउंड एक्स है कंटेंट फोर्टी कार्बन फिफ्टी नाइट्रोजन एंड थ्री हाइड्रोजन है बाई मास अंडर सिमिलर कंडीशन थर्टी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्स डिफ्यूज थ्रू ए पिन हॉल इन ट्वेंटी फाइव सेकंड एंड द सेम वॉल्यूम ऑफ एच टू डिफ्यूज इन फोर पॉइंट एट वन सेकेंड द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एक्स तो देखो जो फर्स्ट लाइन आपको दे रखी है बच्चों इससे आप इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे ठीक है तो देखो यहाँ पे मैं कार्बन लिख रहा हूँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कार्बन का परसेंटेज कितना दे रखा है एम्पेरिकल फार्मूला तो आपने बहुत बार कैलकुलेट किया होगा ये दे रखा है फोर्टी फोर पॉइंट फोर परसेंट हाइड्रोजन कितना दे रखा है 3.7% और नाइट्रोजन कितना दे रखा है 51.9% दे रखा है ठीक है अब इनके एटॉमिक मास देखो कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम हाइड्रोजन का कितना होता है 1 नाइट्रोजन का कितना होता है 14 तो आप इनकी मोल निकाल लो तो मोल कितने आएंगे गिवन मास में आप क्या करोगे इनके मोलर मास से डिवाइड करोगे तो ये 3.7 टाइम्स जाएगा एप्रोक्सीमेटली और 3.7 में 1 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी टाइम जाएगा 3.7 और ये 51.9 में आप 14 से डिवाइड करोगे तो ये 3.7 टाइम्स जाएगा ऐसे आप इम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लोगे अब देखो तीनों वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है तो इनको आप सिंपलीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू भी वन आ जाएगी इसकी वैल्यू भी वन इसकी वैल्यू भी वन तो आपके पास इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा इम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास C, H और N ये आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा ठीक है अपने को क्या कैलकुलेट करना है अपने इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो आगे की इंफॉर्मेशन से अपन इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या दे रखा है समान परिस्थितियों के अंतर्गत ट्वेंटी फाइव सेकेंड में एक सूक्ष्म छिद्र से थर्टी सेंटीमीटर क्यूब गैस एक्स वितरित हो रही है तो देखो गैस जो एक्स है उसका टाइम मैं टीवन ले रहा हूं वो कितना देर का 25 फाइव सेकेंड और दूसरी गैस क्या है हाइड्रोजन गैस है जिसका टाइम कितना देर का है टी टू वो कितना देर का है फोर पॉइंट एट वन सेकेंड और वॉल्यूम सेम है दोनों का तो वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन से आप कैलकुलेट करोगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आर एक्स अपॉन आर हाइड्रोजन तो आप क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ एक्स अपन इसका टाइम अपन ने क्या लिया टी वन लिया तो नीचे टी वन आ जाएगा और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वी एच टू और इसका टाइम क्या जाएगा? T2 आ जाएगा टी टू आ जाएगा इज इक्वल टू क्या होता है मोलर मास के स्क्वायर रूट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो मैं लिख सकता हूँ एम एक्स और ऊपर आएगा एम हाइड्रोजन जिसका हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा टू तो ये वॉल्यूम देखो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम वॉल्यूम ले रखा है टी टू कितना दे रखा है आपको फोर पॉइंट एट वन तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फोर पॉइंट एट वन अपॉन टी वन कितना है ट्वेंटी गैस का मास कितना हो जाएगा टू अपॉन हाइड्रोकार्बन का मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है जब इसको बच्चों आप सोल करोगे तो इसके इधर स्क्वायर करोगे तो ये आएगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट अप्रोक्सीमेटली और ये आ जाएगा सिक्स ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू टू अपॉन एम तो यहाँ से एम की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो एम की वैल्यू आपके पास आएगी फिफ्टी फोर फिफ्टी ग्राम आपके पास उसका मोलर मास आ गया उस कंपाउंड एक्स का इंपेरिकल फॉर्मूला ये आपको दे रखा है और इंपेरिकल मास कितना होगा इसका इंपेरिकल मास आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा ट्वेंटी ग्राम पर मॉल तो यहां से आप एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो एन स्कूल टू क्या होता है मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास तो मोलर मास 54 फोर अपॉन एम्पेरिकल मास 27 तो एन की वैल्यू क्या हो गई टू हो गई इससे आप मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो तो मोलिकुलर फॉर्मूला टू क्या होता है एन इन टू इंपेरिकल फॉर्मूला और एन की वैल्यू यहां पर क्या है टू आ गई आपके पास और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है सी वन एच वन और एन वन तो ये आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया सी टू एच टू और एन टू इट मीन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन तो ऑफ द फॉलोइंग इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी उच्च चक्रण संकुल तो ये ज्यादातर वीक फील्ड लिगेंड बनाते हैं तो देखो अमोनिया साइनाइड अमोनिया ये तो क्या है स्ट्रॉग फील्ड लिगेंड है तो यहां पे आपको एक करेक्शन करना है क्रोमियम आपके पेपर में तो हो चुका है क्रोमियम अमोनिया लिगेंड है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स प्लस टू ठीक है ना ये आप यहाँ पे करेक्शन कर लेना थोड़ा सा पेपर में करवा दिया गया है तो देखो इसके अंदर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये देखो क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कोबाल्ट प्लस थ्री इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन क्या होगा फोर एच जीरो थ्री डी सिक्स तो ये क्या करेगा जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर देगा पेयर कर देगा और तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा डी टू एस पी थ्री तो ये क्या हो गया अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज है तो ये क्या हो गया लॉ स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया एस आई ए पी प्लस टू है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन क्या होगा फोर एरोस ठीक है इसमें भी क्या है स्ट्रॉन्ग फील्डेंड है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा पेड कर देगा तो इसके अंदर भी जो एबाइजेशन होगा वो क्या होगा डी टू एस पी थ्री, थ्री। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जबकि इसके अंदर कोवाल फोर एस है वीक फील्ड लिगेंड, लिगेंड है जो अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेड नहीं कर पाएगा तो आउटर डी ऑर्बिटल यूज होंगे तो इसका एडवर्टाइजेशन क्या होगा एस पी थ्री डी टू ठीक है तो ये थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन में यहां अपन क्या देखेंगे क्रोमियम प्लस टू इसके अंदर भी क्या है अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन को पैड कर देगा और तो इसमें भी अबडाइजेशन क्या हो जाएगा डी टू एस पी थ्री तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा थर्ड होगा ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो क्या है द साइज ऑफ बेरिलियम प्लस टू एंड एल प्लस इज नॉट सो क्लोज बट दे शो रिलेशनशिप यानी कि डायगलन रिलेशनशिप वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें चार्ज अपॉन रेडियस क्या रहता है सेम रहता है ठीक है वो क्या करेंगे डायगलन रिलेशनशिप शो करेंगे तो पहला ऑप्शन दे रखा है डिफरेंट डिफरेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बिल्कुल गलत है सेकेंड है डिफरेंट एटोमिक नंबर इससे भी डायगुलर रिलेशनशिप शो नहीं करेंगे सिमिलर सिमिलर चार्ज चार्ज पर पर यूनिट यूनिट एरिया एरिया यानी कि क्या क्या होना चाहिए? होना चाहिए चाहिए तभी वो क्या करते हैं डायगुलर रिलेशनशिप शो करते हैं हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट वेन क्लोरिन गेस रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरिन चेंज फ्रॉम तो देखो क्लोरिन की जो रिएक्शन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हॉट एंड कंसनट्रेटेड से आप कराओगे तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड एन प्लस एन थ्री का फॉर्मेशन होगा ठीक है ये डिस रिएक्शन है क्योंकि एक एलिमेंट का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और उसी का क्या होगा रिडक्शन यहाँ पे क्लोरीन फ्री स्टेट में तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा माइनस वन और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा प्लस का फाइव तो ये जीरो से किस में जा रहा है माइनस में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन और ये जीरो से किस में जा रहा है प्लस फाइव में तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन तो जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो हो रहा है चेंज वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है तो 0 -1, जीरो टू माइनस वन यानी ये जीरो टू माइनस वन होगा और जीरो टू प्लस वन होगा तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है ऐसा फोर्थ ऑप्शन दे रखा है तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर क्या है फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर कोलोइड्स कोलोइड्स क्या होते हैं एक तो हाइड्रोजीनियस नेचर के होते हैं ठीक है तो आपने कोलोइड्स के एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे सबसे पहले सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड तो क्या है एक ट्रू सोल्यूशन का एग्जाम्पल है तो ये कोलोइड्स नहीं हो सकता सेकेंड फोग है वो कोलोडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है पेंट है वो क्लोरडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है एरोसोल है वो क्लोरडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है मड है वो भी क्या है कोलोइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है है nature, लेकिन ये का नहीं होगा। और ब्लड है वो क्या हो जाएगा कोलोइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा तो इसमें सेकेंड थर्ड फोर्थ और सिक्स यानी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इन द फॉलोइंग टू प्लॉट साइंस स्क्वायर इज प्लॉटेड अगेंस्ट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे ये ग्राफ प्लॉट किए गए साइंस स्क्वायर और आर के बीच में रिलेशन शो कर रखा है तो देखो इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई नोड नहीं है यानी कि साइन चेंज नहीं हो रहा इट मीन कोई नोड नहीं है और नोड कैलकुलेट कैसे करोगे आप एन माइनस रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होगा एन माइनस एल माइनस का वन तो इस ग्राफ में कोई नोड नहीं है तो आप पहला ए फोर वन एस वन एस के लिए आप चेक करोगे तो जीरो तो है? है, है? है, है? तो नोड आप चेक करोगे तो वन माइनस जीरो माइनस वन इजल टू क्या हो जाएगा जीरो तो में कोई नोड नहीं है और वन एस के अंदर भी कोई नोड नहीं है अब बी ग्राफ के अंदर देखते हैं एक नोड है यहां पे क्या है नोड क्या है वन है इट मींस क्या है टू एस के लिए क्या होगा एन की वैल्यू टू होगी और एल की वैल्यू जीरो होगी तो इसके अंदर रेडियल कितने होंगे तो टू माइनस का जीरो माइनस का वन इक्वल टू क्या जाएगा वन यानी कि टू एस के अंदर एक रेडियल नोड होगा वन एस में जीरो और टू एस में क्या होगा वन नोड होगा इट मीनस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है एट टेम्परेचर टी ए कंपाउंड एबी टू इज डिसोसिएट अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है ab2 जो कंपाउंड हो रहा है वो क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है विद ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x इज व्हिच इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1 यानी x वो 1 से क्या है बहुत छोटा है द वैल्यू ऑफ x x की वैल्यू क्या होगी ये आपको देखना है। तो kp और वियोजन की मात्रा x में अपन रिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो देखो ये आपको इक्वेशन दे रखी है तो 2ab2 से क्या बन रहा है टू ए बी प्लस बी तो देखो इसके इनिशियल मोल में टू ले लेता हूं टू प्रोडक्ट के क्या होंगे जीरो 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 टाइम पे एट इक्म पे क्या होगा इसके क्या होंगे टू माइनस का टू एक्स व्यूजन की मात्रा क्या है एक्स और इसके कितने मोल बनेंगे टू एक्स और इसके एक्स ठीक है तो आपको केपी निकालने के लिए सबसे पहले इनका पार्सल प्रेशर चाहिए तो ये आपके पास इक्म पे मोल है टोटल मोल क्या होंगे टू माइनस का टू एक्स प्लस का टू एक्स प्लस का एक्स तो टोटल मोल क्या आएंगे ठीक है अब अपने को पार्सल प्रेशर निकालना है तो ये तो आपके पास मोल फ्रैक्शन आई है तो आप क्या करोगे टोटल प्रेशर पी एज्यूम कर लो जिसे आप मल्टीप्लाई कर लो ये इन सब का क्या आ गया आपके पास पार्सल प्रेशर आ गया तो के पी आप निकाल सकते हो केपी के लिए आप क्या करोगी प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर तो AB का प्रेशर पी ए का स्क्वायर इनटू पी बी टू अपन नीचे क्या आएगा पी एबी टू का पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर ठीक है के पी इक्वल टू क्या आ जाएगा के पी इक्वल टू आ जाएगा टू एक्स पी अपॉन टू प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू बी टू का पार्शियल प्रेशर क्या है एक्स पी अपॉन टू प्लस एक्स इंटू पी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा टू माइनस का टू एक्स अपॉन टू प्लस एक्स इंटू पी का स्क्वायर ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी अब आप क्या करोगे इसको सोल आउट कर लो तो देखो टू प्लस एक्स यहाँ भी स्क्वायर में आएगा टू प्लस एक्स यहाँ भी स्क्वायर में आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा पी से पी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से आप कॉमन लोगे टू तो देखो नीचे क्या रहेगा टू कॉमन लोगे तो बाहर जाएगा फोर वन माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर क्या आएगा फोर एक्स क्यूब पी और नीचे और क्या आएगा यहाँ पे पी नहीं है यहां यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो नीचे क्या आएगा टू प्लस एक्स तो देखो फोर से फोर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो के पी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी के पी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब P अपॉन वन माइनस एक्स का स्क्वायर टू प्लस एक्स अब देखो इसमें दे रखा है कि x की वैल्यू वन से बहुत ही लेस देन है एक्स की वैल्यू है वो वन से बहुत लेस देन है इट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली वन और इसको अलग भग मैं क्या लिख सकता हूँ लेस देन वन है इट मीन्स ये जीरो मान लूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टू हो जाएगी तो के पी टू क्या आ जाएगा एक्स क्यूब पी अपन टू इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो टू के पी अपन पी का पावर वन बाई थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स ये वैल्यू आ जाएगी इट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है यानी कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है यानी केपी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्पा और प्रेशर के बीच में क्या है रिलेशन है तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखो द शेप ऑफ एक्सीओ फोर मोलिकुल्स यानी इस मोलिकुल्स की शेप क्या होगी सिंपल सा क्वेश्चन है जिनोन है जिनोन के आउटरमो सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एट इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन से तो ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रहे सिक्स इलेक्ट्रॉन और रहे उस बाकी चार जिनोन के इलेक्ट्रॉन से फ्लोरिन बॉन्ड बना लेगा और एक क्या रह जाएगा लॉन पेयर रह जाएगा अब देखो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी ऑक्टाइडल नहीं हो सकती तो क्या होगी ये स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर बन रहा है और ऊपर क्या है पिरामिडल तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल इट मींस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन

क्या है जिसका एटॉमिक मास बहुत है? ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या है सी आर टी सी यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन है और सी को आप क्या लिख सकते हो मोल अपॉन वॉल्यूम तो वेट मोल को क्या लिखोगे वेट अपॉन उसका मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम किस में लेना आपको सी सी में लेना इनटू थाउजेंड तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पुट कर दो तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट अपॉन मोलुकुलर वेट इंटू वी सी सी इंटू टेन की पावर थ्री इंटू आर इंटू टी अब ग्राफ जो प्लोट किया गया है वो क्या है कंसंट्रेशन है वो ग्राम पर सीसी वर्सेज कंसंट्रेशन वर्सेज किसके बीच में है टाइम के बीच के अंदर ग्राफ प्लॉट किया गया है जिसके अंदर टाइम कितना देर का है टेम्परेचर सॉरी वो देर का 20 डिग्री सेल्सियस जो कितना हो जाएगा 293 केल्विन हो जाएगा तो इसके अंदर देखो स्लोप क्या आएगा इसके अंदर स्लोप आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई और इसके बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है जिसके अंदर स्लोप क्या आ जाएगा स्लोप बाकी सब स्लोप हो जाएगा टेन की पावर थ्री इंटू आर टी अपॉन मोलर मास इक्वल टू कितना है फोर पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टेन की पावर माइनस का थ्री तो मोलर मास कितना आ जाएगा एम इक्वल टू आ जाएगा आपके पास टेन की पावर थ्री आर की वैल्यू कितनी लोगे आप पॉइंट ज़ीरो एट टू वन टेम्परेचर टू नाइन्टी थ्री कैलविन अपन नीचे क्या आएगा फोर पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टेन की पावर माइनस का थ्री तो देखो टेन की पावर माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो टेन की पावर थ्री और थ्री सिक्स हो जाएगा तो मोलर मास आ जाएगा 10 की पावर सिक्स इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे अप्रोक्सीमेटली तो ये ट्वेंटी फोर के राउंड आएगा और नीचे क्या आएगा फोर पॉइंट सिक्स फाइव तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 5.17 पॉइंट वन सेवन इंटू टेन की पावर सिक्स यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट बाकी किसी में देखो 10 की पावर सिक्स नहीं आ रही सिर्फ इसी में आ रही है तो आप बिना कैलकुलेट किए भी बता सकते हो कि फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या है द एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है इट मीन्स क्या है बी सी सी और बी सी सी में एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है बी सी सी इट मीन्स एटम्स कहाँ पे होते हैं सभी कॉर्नर्स पे होते हैं और बॉडी के सेंटर में होते हैं ये बी सी सी है यहाँ पे एटम्स हो गया एक बीच में होगा और एक यहाँ पे होगा इट मीन्स बीसी के अंदर क्या है फोर आर इजक्वल टू रूट थ्री ए आपको क्या दे रखा एजलिन देर की ए कितना आपको थ्री फिफ्टी टू पिकोमीटर तो इस एटम की रेडियस क्या होगी ये आपको निकालें तो रेडियस इजक्ल टू क्या हो जाएगा रूट थ्री अपॉन फोर इंटू ए दे रखा आपको थ्री फिफ्टी टू पीकोमीटर जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 152.4 फिफ्टी टू पॉइंट फोर मीटर ठीक है इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप क्या है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ग्राफ बिटवीन लॉग एक्स अपोन एम एंड लॉग पी इज ए स्ट्रेट लाइन एट एंगल फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस विथ इंटरसेप्ट ओ एजन एंड एक्स अपॉन एम एट प्रेशर ऑफ टू ए टी एम टू ए टी एम पे आपको एक्स अपॉन एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको पता है एक्स अपॉन एम इज टू क्या होता है फ्रेंडलीसन के पी की पावर वन अपॉन एन तो आप क्या करोगे दोनों साइड लॉग ले लो तो लॉग टेन बेस एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग टेन बेस के प्लस 1 अपॉन आ जाएगा तो 1 अपॉन n log 10 b p तो इसका ऐसा ग्राफ आएगा जिसके अंदर इंटरसेप्ट क्या होगा y बराबर क्या हो जाएगा c plus mx जिसके अंदर स्लोप कितना है 1 अपॉन m तो यहां पे स्लोप क्या है 1 अपॉन n है और आपको स्लोप कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में tan 45 तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ठीक है तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास वन आ जाएगी ठीक है बच्चों अब इंटरसेप्ट कितना दे रखा है इंटरसेप्ट आपको दे रखा है लॉक टेन बेस के इजक्वल टू लॉक टेन बेस टू तो लॉक टेन बेस के इजक्वल टू लॉक टेन बेस टू तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी टू आ जाएगी के की वैल्यू टू आ गई एन की वैल्यू वन आ गई तो आप एक्स अपोन एम की वैल्यू निकाल सकते हो तो एक्स अपोन एम इजल टू क्या हो जाएगा पी की पावर वन अपॉन एन तो के की जगह आप क्या पुट करोगे टू प्रेशर कितना दे रहेगा आपको टू ए टी एम तो यहाँ भी टू और वन अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी वन अपॉन एन की वैल्यू होगी वन तो यहां पे वन तो टू इंटू टू कितना हो गया फोर तो एक्स अपॉन एम की वैल्यू क्या आएगी फोर आएगी इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो एटीन एटीन नंबर क्वेश्चन में क्या है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ एंड सीओ टू आर माइनस ट्वेंटी एंड माइनस का नाइनटी फोर पॉइंट जीरो किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली को हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी है यानी yani एक मोल का आपको फॉर्मेशन करना है तो कार्बन प्लस हाफ ओ टू से सीओ यह आपको डेल देर का इसका डेल्टा एच है वो कितना होगा माइनस का ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर किलो कैलोरी अगेन सी टू का फॉर्मेशन करना तो सी प्लस ओ टू से सी ओ टू का फॉर्मेशन ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है तो डेल्टा एच है इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 94.0 फोर पॉइंट जीरो किलो कैलोरी ठीक है अब देखो आपको पूछा क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट ऑफ कंबसन पूछा है और हीट ऑफ कम्बसन किसकी प्रेजेंस में होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट ऑफ कंबस्टन क्या होगा सी ओ प्लस हाफ ओ टू से सी ओ टू इसका डेल्टा एच आपसे पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है तो इक्वेशन फर्स्ट को आपको रिवर्स करना पड़ेगा और इक्वेशन सेकेंड को आप एज इट इज रख के इनको एड कर दो तो इसको रिवर्स करोगे तो ये इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सिक्स से प्लस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर इसको एज इट इज रखोगे तो माइनस का नाइनटी फोर इसवल टू क्या आएगा माइनस का सिक्सटी सेवन पॉइंट सिक्स किलो कैलरी ठीक है माइनस के अंदर ये वैल्यू आ रही है माइनस का सिक्सटी सेवन पॉइंट सिक्स किलो कैलरी ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी इट मीन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट काफी सिंपल सा क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर देखो नाइनटीन में क्या है विच नॉट बी ऑप्टेन फ्रॉम डायबोर डायबोरेन क्या होता है बी टू एच सिक्स हो गया बी टू एच सिक्स जिससे किसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हो भाई डायबोरेन बी टू एच सिक्स है इसकी सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे आप तो सोडियम बोरोन हाइड्रेट आपका फॉर्मेशन हो जाएगा सेकंड बोरिक एसिड है डायबोरेन का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा H3BO3 यानी इसका फॉर्मेशन फॉर्मेशनली पॉसिबल है लेकिन इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि डायबोरेन होता है उसके अंदर दो ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं और बाकी चार टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं तो टर्मिनल हाइड्रोजन तो को तो आप रिप्लेस कर सकते हो लेकिन ब्रिज हाइड्रोजन को आप रिप्लेस नहीं कर सकते इट मींस इसका फॉर्मेशन नहीं होगा ठीक है इसका मेटावोरेट भी बन जाएगा तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडी यानी रेडी का सही ऑर्डर क्या होगा रेडियस का तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बेरिलियम और बोरोन जिसका ऑर्डर बिल्कुल गलत है क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा इट मीन रेडियस क्या होगा डिक्रीज होगा सेकेंड के अंदर देखो सेकेंड में दोनों सभी स्पीसीज क्या है आइसोइलेक्ट्रॉनिक सो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है आई इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इसमें भी टेन इलेक्ट्रॉन है इसमें भी टेन इलेक्ट्रॉन है इसमें भी टेन इलेक्ट्रॉन है इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं साइज अपॉन नंबर जिसका एटोमिक नंबर कम होगा उसकी एटोमिक साइज ज्यादा होगी इट मीन उसकी रेडियस ज्यादा होगी तो नाइट्रोजन का एटोमिक नंबर कम है तो उसकी साइज ज्यादा बिल्कुल सही है उसके बाद में ऑक्सीजन का एटोमिक नंबर और सबसे ज्यादा किसका एटॉमिक नंबर है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो उसकी साइज सबसे कम होगी तो ये करेक्ट ऑर्डर है सेकंड थर्ड के अंदर देखो पोटेशियम लिथियम की ज्यादा दे है लेकिन होता क्या है लिथियम सोडियम पोटेशियम यानी पोटेशियम की सबसे ज्यादा बाद में सोडियम और बाद में लिथियम थर्ड गलत हो गया और इसके अंदर देखो पॉजिटिव चार्ज अगर जितना ज्यादा होगा तो उसकी साइज उतनी छोटी होगी तो ये फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया गलत हो गया तो ट्वेंटी में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखो, क्या है एसी जीरोक्शन है, है. है तो इसके लिए आप हाफ लाइफ रेरियड कैसे निकालोगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ स्कूल टू क्या होता है पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के तो सबसे पहले आप के कैलकुलेट करो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको 75 हो रही है 40 मिनट में तो के क्या हो जाएगा के फोर्टी मिनट लॉक टेन बेस एनऑर्ड अपॉन एटी एटी यानी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यहां पे जो रिमेनिंग रही है वो पुट कर दो आप तो ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड एनऑड एनऑड से आउट तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन फोर्टी लॉक टेन बेस ऊपर हंड्रेड ऊपर चला जाएगा ट्वेंटी फाइव से फोर टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको लिख सकते हो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री टेन बेस फोर और लॉक टेन बेस फोर की वैल्यू क्या होती है पॉइंट सिक्स जीरो टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स ज़ीरो टू ज़ीरो अपॉन फोर्टी और इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो यह आएगा वन पॉइंट थ्री एट सिक्स अपॉन फोर्टी यह आपके पास आ गया के तो इसका टी हाफ क्या होगा तो टी हाफ में यहां पे लिख रहा हूं टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन पॉइंट थ्री एट सिक्स फोर्टी कहां चला जाएगा ऊपर कैंसिल आउट करोगे तो टू टाइम्स टू का फोर्टी में कितना हो जाएगा ट्वेंटी तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कितना हो जाएगा ट्वेंटी मिनट हो जाएगा अब अपन जीरो रिएक्शन सेवेंटी फाइव परसेंट कंप्लीट होती है थर्टी मिनट में तो जीरो रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट के की वैल्यू क्या होगी के इक्वल टू क्या होता है ए नॉर्ड माइनस का एटी अपॉन टी तो ए नॉर्ड माइनस का एट्टी सेवेंटी फाइव परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होगी तो बची कितनी ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव ए नॉर्ड अपॉन हंड्रेड और टाइम कितना देर का थर्टी मिनट तो ये कितना आ जाएगा आपके पास <laughs> सेवेंटी फाइव ए नोड अपॉन हंड्रेड इंटू थर्टी मिनट ये आ जाएगा थ्री बाई फोर तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिलूट हो जाएगा टेन टाइम्स तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए नोड अपॉन फोर्टी ये आ जाएगा के किसके लिए ये के आ जाएगा जीरो डन के लिए और जीरो डिएक्शन का जो टी हाफ होता है वो क्या होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ए नोड अपऑन टू के ए की जगह ए इनिशियल कंसेंट्रेशन पुट कर दो और के कितना है आपके पास ए नोड अपॉन फोर्टी ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा फोर्टी टू से ट्वेंटी टाइम कैंसिल आउट हो गया इट मींस ट्वेंटी आ गया ये टी आप आ गया जीरो रिएक्शन के लिए तो जेड की वैल्यू क्या होगी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना आ गया 20 मिनट्स और हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो रिएक्शन ये भी आ गया 20 मिनट्स इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जेड की वन हो जाएगी तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा इंटीजर टाइप है तो पहले का आंसर फर्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नंबर ऑफ आइडेंटिकल सीआरओ बोन्ड इन डाइक्रोमेट डाइक्रोमेट आयन है सी आर टू ओ सेवन माइनस टू तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी ये बॉन्ड है इसकी साइज क्या है बड़ी है ठीक है और ये जो सिक्स बॉन्ड है वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ये क्या होंगे बॉन्ड आइडेंटिकल होगी और इनकी आइडेंटिकल साइज होगी तो सीआरबंधु की संख्या कितनी हो जाएगी इसके अंदर सिक्स हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीओ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सीओ का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है इसके अंदर सीओ का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे इसको सेपरेट कर लो आप तो ये चार्ज सल्फेट पे पर चले जाएगा ये चार्ज इस कॉम्प्लेक्स लाइन पे आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज किया गया सी ओ एन का होल थ्राइज इसका चार्ज क्या आएगा प्लस थ्री और एस ओ फोर पे चार्ज किया जाएगा माइनस टू ऐसे सेपरेट कर लिया करो अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो जिसका निकालना है उसको मैं कंज्यूम कर लूँ जीरो होता है तो प्लस जीरो इन टू थ्री इक्वल टू चार्ज को आप इक्वल के आगे पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा प्लस का थ्री ठीक है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा थ्री आएगा ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो ठीक है आप मस्त होंगे स्वस्थ होंगे चलो बात करते हैं पेपर सॉल्यूशन की माई सेल्फ रणवीर जाखर टीम कम सिंह देखिएगा बेटा जी अपने ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है वो सोल्व करेंगे पहला सवाल अपने ऑर्गेनिक का नहीं है सवाल नंबर सेकेंड देखिएगा क्या कह रहे हैं सवाल नंबर सेकिन अपने से कह रहे हैं कि देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर अपने को बनाकर दे रखी हैं ये पहले तो इसको देखिए कि ये मोनोसेक्राइड है या है ये जो स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रही है वो देखो एक तो मोनोसेकर ये वाली रही दूसरी मोनोसेक्राइड ये वाली रही इसका मतलब ये मोनोसेक्राइड नहीं हो सकती क्या है डाई है तो अपना ये इनकरेक्ट हो गया ठीक है क्या पूछा गया है करेक्ट ही पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट का रिड्यूसिंग शुगर है क्या Reducing sugar के लिए क्या देखते हैं कि कि यानी रिड्यूस करने वाला ग्रुप क्या होना चाहिए या या तो एक का ओ एच पार्टिसिपेट कर रहा है ये पेंटोसुगर दे रखी है है ना ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव कार्बन की है इसका मतलब क्या है ये कार्बन नंबर एक इसका भी क्या है दोस्तों फ्री है. है क्या फ्री नहीं है इसका मतलब ये भी ग्लाइकोसिडिक में पार्टिसिपेट कर रहा है कार्बन नंबर एक कार्बन नंबर एक दोनों का ग्लाइकोसिडिक में पार्टिसिपेट कर रहा है इसका मतलब ये रिड्यूसिंग सुगर नहीं हो सकती कैसी हुई नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई इसका मतलब ये भी क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया आगे बढ़ते हैं क्या दे रखा है दोस्तों इट शो इज इनवर्जन ऑफ सुगर ठीक है अब इनवर्सन कब हो जाता है दोस्तों मान लो कोई सुक्रोज अपने को दे रखी है और सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने को क्या मिलती है ग्लूकोज और फैक्टोस मिलती हैं ठीक है और ग्लूकोज कैसी होती है डेक्शो रोटेटरी और फैक्ट्रोज होती हैं वो कैसी होती हैं रोटेटरी होती हैं उसके स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू क्या होती हैं दोस्तों अलग अलग होती हैं एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एक डेक्श्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी सुक्रोज खुद कैसी होती है डेक्शो रोटेटरी है जब अपने इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वो क्या हो जाती है लीवो रोटेटरी हो जाती है क्यों फैक्ट्रोज की वैल्यू क्या आती है दोस्तों माइनस में ज़्यादा आती है इसका मतलब लीवो रोटेटरी हो जाता है उसे कहते हैं इन्वर्जन हो जाना ठीक है इसलिए सुक्रोज को क्या बोला जाता है इनवर्ट सुगर तो इसका भी जब अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका भी इन्वर्जन हो जाएगा अलग अलग मिलेंगी ठीक है फिर अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है शो म्यूटर रोटेशन की अगर अपन बात करें तो अल्फा बीटा दोनों आइसोमर आपस में इक्विवेरियम में रहे उसको क्या बोलते हैं म्यूटर रोटेशन बोलते हैं अल्फा बीटा में और बीटा एनोमर्स जो कार्बन है वो एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहे इसका मतलब ये क्या नहीं कर सकती दोस्तों म्यूटर रोटेशन शो नहीं कर सकती म्यूटर रोटेशन जनरली वो लोग करते हैं जो रिड्यूसिंग शुगर होती हैं या मोनोसेक्राइड होते हैं यानी कि रिड्यूसिंग शुगर है वो म्यूटर रोटेशन शो करती हैं तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है थर्ड नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या दे रखा है अपने को सवाल नंबर थर्ड सवाल देखिए क्या पूछा गया है अपने से ये पूछा गया है कि कंडे पोलिमर की बात हो रही है ठीक है यानी कि संघनन बहुलक की बात हो रही है संघनन बहुलक कंडेंसेशन पॉलीमर अपन किसको बोलते हैं एक तो एडिशन पॉलीमर होता है और एक कंडेंसेशन एडिशन में तो मोनोमर्स आपस में क्या होते हैं एडिशन कर लेते हैं और कंडेंसेशन में क्या है दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और किसी छोटे मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देते हैं जैसे वोटर है अमोनिया है अल्कोहल है ठीक है उसको अपन कंडेंसेशन बोलते हैं तो देख लो टेफलोन टेफलोन की अगर अपन बात करें तो क्या होता है दोस्तों सी डबल वन सी होता है तो ये है टेफलोन ठीक है इसका पोलिमेरिजेशन करवाएंगे तो ये टेफलोन बनेगा इसका मतलब ये तो एडिशन है तो क्या मिलेगा पोलिस्टाइरिन ये भी कैसा है एडिशन का एग्जाम्पल है कंडेंसेशन का नहीं है पीवीसी पोलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड का कंडे यानी कि पोलिमेरिजेशन करवा देंगे दोस्तों तो ये भी क्या बन जाएगी पीवीसी बनेगी पर एडिशन है ये भी ठीक है डेक्रोन जिसको प्यार से सेलिन बोला जाता है डेक्रोन ये कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है डेक्रोन की अगर अपन बात करें तो उसमें क्या होता है दोस्तों एथिलीन ग्लाइकोल और साथ में क्या होता है टर्थेलिक एसिड तो इनका पोलिमेरिजेशन करवा दें तो टर्थेलिक एसिड क्या होता है दोस्तों टर्थेलिक एसिड की अपन बात करें तो यहाँ पे क्या जाएगा ओ OH एच और यहाँ पे भी सी डब्ल्यू एच यही मिलेगा दोनों साइज में सी डब्ल्यू एच सी डब्ल्यू एच आएगा ठीक है इसको बोलते हैं टर्थेलिक एसिड पॉलीमराइजेशन करवाएंगे दोस्तों तो एच और ओएच OH, ये एच किसी और के साथ और ये ओएच OH किसी और के साथ क्या मिलता है पॉलीएस्टर पॉलीएस्टर पॉलीमर बनता है पॉलीएस्टर ग्रुप आता है इसमें एस्टर ग्रुप ठीक है तो इसका मतलब ये क्या है डेक्रोन जो है वो क्या है कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है संगनन बहुलक का ठीक है तो आंसर कौन सा हो गया फोर नेक्स्ट सवाल की ओर बात करें तो कौन सा सवाल अपने को दे रखा है दोस्तों फोर नंबर सवाल देखिएगा फोर नंबर सवाल की अगर अपन बात करें तो अपने से क्या पूछा गया है ये इनऑर्गेनिक का सवाल है नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो कौन सा सवाल अपने को दे रखा है देखो सवाल नंबर फाइव फाइव नंबर सवाल अपने को क्या दे रखा है देखो नार्कोटिक एनालजेसिक की पूछा गया है ठीक है तो एनालिशिक दो टाइप की होती है यानी कि एक तो नार्कोटिक और एक नॉन नार्कोटिक ठीक है नार्कोटिक की अगर अपन बात करें तो जिनको खाने के बाद में और काफी दिनों तक ली जाए तो उसकी आदत पड़ जाती है और नॉन नार्कोटिक जिनकी आदत नहीं पड़ती ठीक है अगर नार्कोटिक की बात करें तो कौन सी होती है मोरफिन ठीक है हेरोइन ये क्या है कोडीन ये क्या है नार्कोटिक है ठीक है जिनकी खाने पे ज़्यादा दिन खाएंगे तो आदत पड़ जाती है ठीक है और एस्प्रीन की अगर अपन बात करें तो ये नॉन नार्कोटिक होती हैं ठीक है पीड़ा हारी दवाई हैं ये सारी की सारी पैरासिटामोल एनाल ठीक है इनको खाने से आदत नहीं पड़ती इसका मतलब आदत किसकी पड़ती है नार्कोटिक्स की पड़ती है और वो कौन सा है दोस्तों मोरफिन है मोरफिन है हीरोइन है कोडीन है ठीक है तो आंसर कौन सा आ जाएगा नार्कोटिक कौन सा है मोरफिन है नेक्स्ट सवाल की बात करें तो कौन सा सवाल अपने को दे रखा है सवाल नंबर सिक्स देखिए दोस्तों बेहद ही प्यारा सा सवाल दे रखा है देखो क्या चाहता है अपने से ये दे रखा है इसकी एक्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे मेजर प्रोडक्ट बनेगा फिर वाई अपने को क्या लेना है फिर मेजर प्रोडक्ट बनेगा फिर जेड के साथ ये बनाना है आपको ये बनाना है ठीक है इसका मतलब अपने क्या लें दोस्तों ये लेके चलेंगे ठीक है ये क्या दे रखा है प्रोपेन दे रखी है इसकी अपने किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे दोस्तों बी आर टू के साथ रिएक्शन कर करवा देते हैं ठीक है तो क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा एक तो वन डिग्री कितने टाइप के हाइड्रोजन है इसमें ये वन डिग्री है ये टू डिग्री है और ये वन डिग्री है ठीक है ज्यादा कौन सा है टू डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा इसका मतलब टू डिग्री वाले की क्वांटिटी क्या रहेगी ज्यादा रहेगी इल्ड ज्यादा बनेगी बी आर टू के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो एक तो बी आर आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों बी आर फिर कंसनट्रेट और ये क्या काम करेगा दोस्तों कंसनट्रेट एस्ट्रेस फोर इसका क्या बिगाड़ेगा कुछ नहीं कर सकता इसका मतलब इसमें चेंज नहीं कर सकते फिर क्या बोल रहा है वो सीएल के साथ रिएक्शन करवाए सीएल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा सीएल फिर एल्कोलिक दोस्तों तो क्या के बन जाएगा जाएगा एलिमिनेशन हो फिर एच बी आर और प्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा एंटी तो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा बी बन जाएगा ठीक है तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग तो ये बनेगा अपने को वो चाहिए था इसका मतलब इससे भी नहीं बनाया जा सकता इसका मतलब इसकी भी कहानी क्या हो गई दोस्तों खत्म ठीक है थर्ड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं देखो थर्ड ऑप्शन में अपने को क्या दे रखा है दोस्तों फिर, फिर किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ये देखो टर्सरी ब्यूटोक्साइड अब ब्यूटोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को क्या दे रखा है टर्सरी ब्यूटोक्साइड ठीक है ये भी क्या हो गई होपमान एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनाती है बट इसमें तो एक ही एल्कीन बन रही है ठीक है

F2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो F2 आ जाएगा उसके बाद में ये क्या काम करेगा दोस्तों ये तो एल, एलिमिनेशन का काम करता है ठीक है यानी कि एल टू ओ थ्री डीहाइड्रेशन का काम करता है ई टू रिएक्शन होती है इसका मतलब इसके साथ तो कुछ नहीं कर पाएगा इसका मतलब कहाँ नहीं खत्म है कौन सा आंसर आ जाएगा थर्ड आंसर ठीक है नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों क्या दे रखा है अपने को सवाल नंबर नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है नेक्स्ट देखिए बात करें अपन ये भी अपना नहीं है ये सवाल अपना है देख लो बेहद ही प्यारा सा सवाल है देखिएगा दोस्तों क्या दे रखा है अपने को ये दे रखा है इसकी रिएक्शन इसके साथ करवानी है तो ये बन जाएगा एल्कोलिक के, के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सिक्स मेंबर प्रोडक्ट बनेगा फिर गिना रिजेंट के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाओ और वन एच के साथ रिएक्शन करवाओ देख लो माजरा क्या है बी के साथ रिएक्शन करवाएंगे दोस्तों तो अपने को क्या मिल जाएगा देखो अगर यहाँ क्या दिया होता बेसिक मीडियम दिया होता तो इसका मतलब क्या है कि ये एल्डोल कंडीशेशन कर सकता था लेकिन बी आर टू के साथ रिएक्शन और एसिडिक मीडियम में दे रखा है तो उसके एल्फा पे क्या जाएगा दोस्तों? BR आ जाएगा दोस्तों बी आर आ जाएगा एल्फा पे बी आर आ जाता है ठीक है एल्फा पे हेलोजिनेशन हो गया फिर एल्कोलिक दे रखा है अपने को तो क्या बना देंगे दोस्तों ये बना देंगे यहाँ डबल बोन और यहाँ पे क्या आ जाएगा एलिमिनेशन हो गया ये प्रोडक्ट मिल गया आपने ठीक है ये बी दे रखा है ये अपना बी है ये अपना क्या है दोस्तों ए है फिर अपने को क्या पूछा गया है प्रोडक्ट विद सिक्स मेंबर रिंग जी हाँ सिक्स मेंबर रिंग ही है सही बात बोल रहा है फिर देखो इसके किसके साथ रिएक्शन करवाने हैं करवानेर के साथ रिएक्शन करवानी है अब सी एस थ्री एम जी बी आर के साथ वन टू एडिशन करेगा यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों ये बन गया आपने देखो तो गौर से यहाँ पे क्या जाएगा सी एस थ्री यहाँ पे क्या जाएगा ओ नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है अब इसका हाइड्रोलाइसिस एच टू ओ भी दे रखा है तो यहां पे क्या लगा दो ओ OH. एच फिर देखो एच टू ओ और हीट करने का साइन है इसका मतलब ये क्या हो गया डीहाइड्रेशन डीहाइड्रेशन यानी कि ई वन रिएक्शन होगी एच पॉजिटिव और इसको हीट कर दो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाओ लुप्त उठाओ ठीक है ओ एच जाएगा तो क्या मिल जाएगा अपने को इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मिल गया दोस्तों ये मिल गया यहाँ पे सीएस थ्री और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ठीक है अब मेजर प्रोडक्ट आपको बनाना है डी ठीक है ये आपका क्या है दोस्तों ये आपका सी है अब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों दो टाइप की एल्कीन बन सकती है एक तो आपकी कौन सी एल्कीन बन सकती है ये वाली और दूसरी अपनी कौन सी बन सकती है ये वाली एल्कीन बन सकती है कौन सी भला पे पे डबल डबल और यहाँ पे पहले से ही डबल है कौन इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल है यह ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास अल्फा एच ज्यादा है ठीक है तो इसका मतलब ये आपका क्या बना दोस्तों मेजर प्रोडक्ट बना अब इसकी किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे एच के साथ रिएक्शन करवाएंगे? करवाएंगे तो एच पॉजिटिव सबसे पहले अटैक करता है वो बनाएंगे जो मोर स्टेबल कार्बोकोटाइन का फॉर्मेशन करें अगर ये बनाओगे तो दो डिग्री कार्बोकोटाइन बनेगा और अगर ये डबल बॉन्ड अटैक कर देता है पॉजिटिव के ऊपर तो इसका मतलब क्या आएगा दोस्तों ये बनाएगा मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकोटाइन का फॉर्मेशन कर देगा तो देखिएगा दोस्तों क्या मिला अपने को ये मिला यहाँ पे एच आ गया और यहाँ पे डबल बोन है और इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ये थ्री डिग्री कार्बोकोटाइन का फॉर्मेशन हो गया अब इसमें देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज दैट इज कॉन्जुकेशन कॉन्जुकेशन है तो इसमें कॉन्जुकेशन भी करवा सकते हैं अपन कॉन्जुकेशन करवाने के बाद में क्या बनेगा दोस्तों यहां डबल बोन और इसके ऊपर क्या आ गया दोस्तों पॉजिटिव चार्ज ठीक है अब इसकी बी आर के साथ रिएक्शन करवानी है बी आर नेगेटिव यहां पे क्या दे दिया दोस्तों बी आर नेगेटिव अब ये बी आर यहाँ पे भी एडिशन कर सकता है और यहां पे भी एडिशन कर सकता है तो क्या मिल जाएगा दोस्तों अपने को प्रोडक्ट जो मिले मिलेगा वो यहाँ पे बी आर और यहाँ पे बी आर अब फिर क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पे क्या है डबल बोन और यहाँ पे क्या जाएगा बी आर अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन है ये तो के सीपी पे मेजर प्रोडक्ट है और ये टी सी पी पे मेजर प्रोडक्ट है के सीपी का मतलब काइनेटिक कंट्रोल प्रोसेस पे मेजर प्रोडक्ट ये है ठीक है बिना रियरेंजमेंट वाला बिना कॉन्जुकेशन वाला ठीक है और टीसीपी थर्मोडाने कंट्रोल प्रोसेस पे जो रेजोनेंस के बाद में जो एल्कीन मोर स्टेबल बनती हैं ठीक है वो है तो अपने एक एच बी आर दे रखा है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसका मतलब अपन रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा रहे हैं रूम टेम्परेचर पर कौन सी रिएक्शन होती है काइनेटिक कंट्रोल प्रोसेस वाला मेजर प्रोडक्ट आता है ठीक है और ये के वाला क्या होता है माइनस में माइनस में अगर आपको दिया हो सेवेंटी डिग्री ठीक है एटी डिग्री सेवनटी डिग्री सेल्सियस दे रखा हो माइनस में तो कौन सी होती है काइनेटिक कंट्रोल प्रोसेस होती है अब अपने को कुछ नहीं दिया मतलब रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है और कौन सा आएगा टीसीपी वाला आएगा यानी कि थर्मोडाइनेमिक कंट्रोल प्रोसेस वन फोर एडिशन हुआ है इसका वो एल्किन बनेगी जो मोर स्टेबल होगी मोर स्टेबल का मतलब एल्फाएच जिसके पास ज्यादा होंगे और इसके पास एल्फाएच क्या है दोस्तों ज्यादा है ठीक है तो वो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ठीक है तो कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों देखो तो जरा इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा सेकंड आंसर अपना आ जाएगा ठीक है तो सेकंड आंसर हो गया नेक्स्ट सवाल सवाल की अगर अपन बात करें तो तो अपने को सवाल कौन सा दे रखा है दोस्तों देखो जरा सवाल नंबर इलेवन अपना नहीं है नेक्स्ट आगे बढ़े सवाल नंबर थर्टीन देखिएगा दोस्तों थर्टीन नंबर सवाल बेहद ही प्यारा सा सवाल दे रखा है अपने को क्या पूछा गया है दोस्तों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो सकता है विदाउट कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिल जाए यानी कि जिसमें होगी वो कैसा होगा होगा ऑप्टिकली एक्टिव तो देख लो दोस्तों ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें तो इसमें एस डी एस करके देख सकते हैं एस डी एस डी एस का मतलब सेम प्लेन डी का मतलब डिफरेंट प्लेन इनका प्लेन कैसा हो गया दोस्तों डिफरेंट हो गया इसका मतलब क्या है इसमें पी एस सीएस नहीं हो सकती और जिसमें पीएस सीएस नहीं होगी वो कैसा होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा ठीक है यहां पे अगर अपन बात करें तो एस डी एस डी ये भी डिफरेंट प्लेन में है बट दोनों सी एस थ्री सी एस थ्री क्या है सेम है सेम है ना एक जैसे इसका मतलब इसको काटा जा सकता है क्यों क्योंकि ऐसे काट सकते हैं कि ये सी एस थ्री और एच दोनों ये तो आधे आधे काट जाए और सी एस थ्री सी एस थ्री दोनों क्या रह जाए अलग अलग रहे हैं, तो इसका मतलब इसको अपन काट सकते हैं कहां से भला इसको पूरा काट सकते हैं ठीक है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगी ये देख लो मोर देन कार्बन है बट हैव पीयूएस एंड सी तो इसका मतलब मीजो कंपाउंड और मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता ये हो सकता है क्या दोस्तों आपको इसकी शकल देख के लग रहा होगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं दोस्तों ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये भी मीजो कंपाउंड है मीजो कंपाउंड जैसी सकल दिखे तो इसका मतलब एक कायरल कार्बन में इवन नंबर में स्विच करके देख लो इवन नंबर में स्विच का मतलब क्या है सी डब्ल्यू एच को यहाँ है और एच को यहाँ ले आओ तो एक ही बार स्विच किया तो वो तो ओड नंबर में आएगा इवन नंबर में स्विच करना है आपको इवन नंबर का मतलब तीनों आपस में अदला बदली हो जाए तो इवन नंबर का स्विच माना जाता है ये देखो सी डब्बलए यहाँ और एच यहाँ एक बार स्विच एच फिर यहाँ और ओ एच OH यहाँ पे देखो ओ एच OH यहाँ पे और एच यहाँ पे एक बार आपने यू किया और दूसरी बार एच और ओ OH एच में आपस में कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया टू टाइम स्विच हो गया यानी कि इवन नंबर में स्विच इवन नंबर में स्विच देख लो कैसा बना दोस्तों मीजो है पीओ एस मोलिकुलर सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है इसका मतलब इसमें भी क्या हो गई एस पी एस होते ही ये कैसा हो गया मीजो हो गया होते ही ऑप्टिकली इनएक्टिव बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक से ज्यादा कायरल कार्बन लेकर बैठा है फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्यों है मोलिकुलर सिमेट्री इंटरनल कंपनशेशन के कारण है दोस्तों तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव पूछा गया था कौन सा आंसर आ जाएगा फर्स्ट आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल अपने को क्या देखा है दोस्तों सवाल नंबर ये नहीं है अपना फिर अगर अपन बात करें तो ये भी नहीं है नेक्स्ट सवाल की बात करें तो देखिएगा सवाल नंबर एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ये नहीं है दोस्तों नेक्स्ट इंटीजर की बात करते हैं सेक्शन डी सेक्शन डी में फर्स्ट अपना नहीं है ऑर्गेनिक का नहीं है मतलब नेक्स्ट आपका तो है ठीक है आपका तो सारे आपके हैं लेकिन किसका नहीं है ऑर्गेनिक का नहीं था देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है जनरली वो लोग क्या करते हैं टूटोमेरिज्म शो करते हैं ठीक है एससीटोफिनोन स्ट्रक्चर बनाओ लुप्त उठाओ यह टोटोमेरिज्म शो करता है क्या जी हाँ उछल कूद करता हुआ करेगा इसके पास अल्फा एच एस पी थ्री प्रसेंट है इसका मतलब ये टोटोमेरिजम करेगा टोटोमर्स बनाएगा यहाँ डबल वोन यहाँ सी एच टू और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों ओ एच देख लो क्या बना देगा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग के कारण अगर क्या हो जाए फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं टोटोमर्स ये दोनों आपस में क्या होते हैं दोस्तों इक्विलिब्रियम में प्रजेंट होते हैं काइनेटिक इक्विलिब्रियम में प्रजेंट होते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों मीडियम में हो सकते हैं ये ठीक है ये शो करेगा फिर बेंजोफिनोन दे रखा है की अगर बात करें तो पी एच डबल अल्फा एच ये दोस्तों कहानी खत्म है दोस्तों दोस्तो। दोस्तो। कुछ नहीं कर सकता नहीं कर सकता ठीक है साइक्लोहेगजेन की अगर बात करें तो दोस्तों ये साइक्लोहेगेन है क्या ये टोटोमेरिज्म करेगी नहीं हाइट्रोसन की शिफ्टिंग के कारण फंक्शनल ग्रुप कैसे चेंज करेंगे इसमें पेरा बेंजोफिनोन पेरा बेन्जो फिन की अगर अपन बात करें तो दोस्तों क्या होता है पेराबेजो फ्यूनोन ये होता है ठीक है फिनोल है फिनोल कैसा होता है कलरलेस होता है बट इसको एनवायरमेंट में खुला छोड़ दें या लाइट की प्रेजेंस पाकर ये ऑक्सीडाइजेड हो जाता है और किसमें चेंज हो जाता है पिंक की जैसा हो जाता है इसका नेम क्या है पेराबेंजो क्विनोन ठीक है क्विनोन बन गया ये ठीक है ये कैसा होता है पिंक कलर का होता है इसका मतलब इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एस नहीं है ये भी टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता आगे बात करते हैं साइक्लोपेंटेनोन साइक्लोपेंटेनोन की अगर अपन बात करें तो इसके पास एल्फा हाइड्रोजन है, है क्या जी हाँ है ये टोटोमेरिज्म शो करेगा जी हाँ टोटोमेरिज्म शो करेगा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग के कारण क्या हो जाए दोस्तों फंक्शनल ग्रुप है चेंज हो जाए इसका मतलब हाइड्रोजन की शिफ्टिंग के कारण फंक्शनल ग्रुप फॉर्म इनोल में इनोल फॉर्म कीटो में चेंज हो सकती है ठीक है तो इसका मतलब ये भी टोटोमेरिज्म शो करता है बेंजीन की अगर अपन बात करें तो बेंजीन टोटोमेरिज्म शो कर सकती है क्या ना जी पता नहीं ये कौन सा नशा करती है जो मोर स्टेबल है ठीक है ये नहीं कर सकती एसीटाइल एसिटोन क्या होता है दोस्तों एसिटाइल एसीटोन की अगर अपन बात करें तो ये होता है एसीटाइल ग्रुप होना चाहिए इसके पास एसिटाइल यानी कि सी एस थ्री सीओ ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं एसिटाइल ठीक है Acetyl, और एसिटोन की अगर अपन बात करें तो एसिटोन लगा दो एसिटोन में तीन कार्बन ठीक है ये देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ये टोटोमेरिज्म शो कर देगा देख सकते हैं आप क्या बना देगा दोस्तों सी एस थ्री सी यहाँ पे क्या जाएगा ओ एच डबल बोन सी एच और सी डबल बोन ओ और सी एस थ्री देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है जनरली अगर अपन बात करें तो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल बट कुछ ऐसे भी कंपाउंड है डाई कीटो में अगर अपन बात करेंगे तो क्या आ जाते हैं इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो ठीक है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये सेवेंटी सिक्स परसेंट मोर स्टेबल होती है और ये ट्वेंटी सिक्स परसेंट ठीक है सेवेंटी सिक्स और ये ट्वेंटी फोर परसेंट ठीक है तो इसका मतलब ये बन जाएगा तो कौन कौन सा टोटोमेरिजम शो करता है दोस्तों एसिटोफिनोन करता है साइक्लोपेंटिनोन करता है और एसिटिल तो दोस्तों थ्री आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो कौन सा दे रखा है अपने को सवाल नंबर अपने डाइक्रोमेटाइन नहीं है ये भी ऑक्सीडेशन नंबर की बात हुई है ये सवाल बेहद ही प्यारा सा सवाल है ये ठीक है देखिएगा दोस्तों क्या पूछा गया है PCl5 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाइए PCl5 के साथ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की जब भी अपन रिएक्शन करवाते हैं तो एक तो POCl3 बनता है ठीक है तो देखो क्या दे दिया आपने को CH3 CO और यहां पे क्या जाएगा O और H इसकी PCl 3 और Cl और Cl PCl5 है दोस्तों हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एसाइल क्लोराइड ठीक है एसिटिल क्लोराइड बोल सकते हैं इसका किसका फॉर्मेशन हो गया सी का ठीक है ये क्या आ जाएगा दोस्तों ये बन जाएगा यानी कि सी एस थ्री सी डबल वन ओ और यहाँ पे ओ OH. एच किसके साथ रिएक्शन करवाई पी सी एल फाइव इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं पी सी एल थ्री सी एल और सी एल काट दो तोड़ दो मरोड़ दो ठीक है क्या बन जाएगा दोस्तों सी एस थ्री सी ओ और सी एल आ जाएगा एसाइल क्लोराइड बन गया अब इस एसाइल क्लोराइड की किसके साथ रिएक्शन करवानी है देखो पीडीबीएसओ फोर के साथ रिएक्शन करवानी कर कर है कौन सा है रोजनमुंड रिडक्शन किसका फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों सी एस थ्री एल डीड का फॉर्मेशन हो गया ठीक है ये आपका क्या बन गया दोस्तों पी बन गया अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं डायलूट एनिवे के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अब कौन सी रिएक्शन है डायलूट एनिवे के साथ रिएक्शन करवा रहे कर हैं तो कौन सी होगी एल्डोल रिएक्शन हो गई इसका एल्फा पार्टिसिपेट करेगा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों इसी के मोलिक्यूल इसी के साथ रिएक्शन करेगा तो अपने को क्या मिल जाएगा सी एच यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ एच सी एच टू और सी एच डबल बोन हो ये तो एल्डोल बन गया फिर क्या है हीट करने का साइन भी दे रखा है तो ये ई वन सी बी रिएक्शन आगे होगी एल्डोल कंडेंसेशन यानी कि ये इसके एल्फा के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा ठीक है इस हाइड्रोजन के ऊपर ये बोन यहाँ पे और ये यहाँ पे ठीक है कार्बनइन बनेगा ई वन सी बी रिएक्शन होती है सी एस थ्री यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बोन सी एच और सी डबल बोन ओ ये एल्फा और ये बीटा एल्फा बीटा अनसे कार्बोनिल कंपाउंड बनता है ये एल्डोल कंडेन ये एल्डोल ये एल्डोल है और इसको क्या बोलते हैं एल्डोल कंडेन बोलते हैं तो अपने को पूरा कराना था हीट करने का साइन नहीं दिया होता तो एल्डोल तक कहानी छोड़ देते हैं ठीक है अब पूछा क्या है अपने से नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन मेजर प्रोडक्ट क्यू क्यू का मेजर प्रोडक्ट यही है इसमें कार्बन आटम कितने हैं वन टू थ्री फोर कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों फोर ठीक है नेक्स्ट ये अपना क्या था दोस्तों पेपर सॉल्यूशन की बात थी ठीक है तो मस्त रहे स्वस्थ रहें जीमेंस को अच्छी तरह से फोड़ के आए ऑल द बेस्ट गुड लक जय सी